पिछले संडे को मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको फादर के जो मैंने पोएम लिखी थी वो आपको मैं जरूर सुनाऊंगी। 2005 में मैंने अपने पिताजी के लिए, पापा के लिए पोएम लिखी थी और वो मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया से अलग है मेरे पापा, बहुत लंबा जुड़ा है इनसे नाता, बड़ी बड़ी बातें मुझे सिखाते हैं, यकायक दुनिया की पहचान मुझे कराते हैं। आत्मसात करती हूँ इनकी बातों को, कभी कभी भूल भी जाती हूँ मैं इनकी बातों को। मानवता का पाठ तुम पढ़ाते हो, आगे बढ़ना मुझे सिखाते हो। कितने अच्छे हो तुम, कितने सच्चे हो तुम। जीवन यात्रा के प्रारंभ में आपने कई बातें सिखाई पर मैंने कभी ना अपनाई। अब जब समय आया है मैं इन्हें अपनाती हूँ पर इसका कोई मोल नहीं। बातों रूपी सिक्कों को मैंने केवल उछाला, इन्हें कभी नहीं संभाला। ना जाने उस समय क्या अभिमान था, मन का कोना क्यों परेशान था। अब मैं क्या करूं पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लगता है जीवन में ठहराव आ जाएगा, कोई उपलब्धि ना हासिल होगी, सारी तरफ निराशा ही निराशा होगी। लेकिन इस टाइम निराशा नहीं, सिर्फ आशा ही आशा है। निराशा सिर्फ 2005 और 2010 के बीच में थी, अब कोई निराशा नहीं है, अब सिर्फ आशा ही आशा है। मैं हूँ आपकी मोटिवेशनल स्पीकर सारिका जसूजा और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं या फिर जो महिलाएं मुझे देखती हैं, मुझे वॉच करती हैं, उन सभी महिलाओं को मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ें, अपने जीवन में तरक्की करें, अपने लाइफ में अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने परिवार को संजो कर रखें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने करियर की तरफ ध्यान दें और समाज में अपना एक स्टैंडर्ड बना कर रखें और अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल खुद रखें, अपनी सेहत पर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दें। लव यू ऑल। संडे को, नेक्स्ट संडे को नई वीडियो, नए तरीके से, नए टॉपिक के साथ आएगी। आज की वीडियो यहीं तक।